हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के टॉपिक ग्लाइकोसाइड्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। स्टूडेंट, ये जो हमारे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का जो हमारा पहला टॉपिक था वो कौन सा था? पिछला टॉपिक अल्कोलॉइड्स, जिसके हमने कई पार्ट्स बनाए थे और उसमें हमने डिस्कस किया था अल्कोलॉइड्स के इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, टाइप्स एंड उसके केमिकल टेस्ट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड जो हमारे ग्लाइकोसाइड का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? उसके इंट्रोडक्शन एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड के बारे में। पार्ट थर्ड में हमने डिस्कस किया था स्टेरॉल और कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में। पार्ट फोर्थ में हमने डिस्कस किया था सपोनिन ग्लाइकोसाइड के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आपने अब तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोस, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये किसी भी तरीके के फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, बी प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक्स, अच्छे से प्रिपरेशन करें इस टॉपिक्स का। अगर आपने अब तक हमारी ये टॉपिक्स की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो स्टूडेंट, बिकॉज आई एम रिपीटिंग, दीज टॉपिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करें इन टॉपिक्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। फर्स्ट है हमारा, दीज आर दी ग्लाइकोसाइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN एंड बेंजल्डिहाइड एंड शुगर। ये जो हमारे ग्लाइकोसाइड, ये एक तरीके के ग्लाइकोसाइड है जो हाइड्रोलाइसिस पे क्या देते हैं? हाइड्रोसाइनिक एसिड देते हैं, HCN, बेंजल्डिहाइड एंड शुगर देते हैं हम। नेक्स्ट इज द मेडिसिनल एक्टिविटी ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली रोजेसी। ये जो इसकी जो मेडिसिनल एक्टिविटी है स्टूडेंट, वो किसकी, जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है उसकी जो मेडिसिनल एक्टिविटी है वो किसकी वजह से होती है? हमारे हाइड्रोसाइनिक एसिड की वजह से। और ये कौन सी फैमिली से कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये रोजेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एमिग्डालिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिटर आमंड, जिसे हम प्रोनस एमिग्डालस भी बोलते हैं, प्रोनासिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड चेरी बाग। स्टूडेंट, ये जो हमारा एमिग्डालिन है वो किससे हमें मिलता है? बिटर आमंड से। लेकिन जो हमारा प्रोनासिन है वो हमें कहाँ से मिलता है? वाइल्ड चेरी बाग से। नेक्स्ट है ड्रग्स। जो हमारे साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है उसमें हम दो ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा बिटर आमंड एंड सेकेंड है हमारा वाइल्ड चेरी बाग। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। ये है हमारा बिटर आमंड का डायग्राम। एज यू कैन सी, फर्स्ट इज सिनोनिम्स। क्या है इसके सिनोनिम्स? एमिग्डाला एमारा। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रिप सीड्स ऑफ प्रूनस एमिग्डालिस। ये क्या, कहाँ से हमें मिलता है? बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसके? ड्राइड रिप सीड। ये होते हैं कौन से प्लांट के? प्रूनस एमिग्डालिस प्लांट के। नेक्स्ट है हमारा फैमिली रोजेसी। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि बिटर आमंड में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। फर्स्ट इज इट कंटेन 40-55% ऑफ फिक्स्ड ऑयल। ये क्या कंटेन करता है? 40-55% फिक्स्ड ऑयल कंटेन करता है। नेक्स्ट इज अबाउट 20% ऑफ प्रोटीन म्यूसिलेज एनिमल्स इन होते हैं। नेक्स्ट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड एमिग्डालिन। और क्या कंसिस्ट करता है? कलरलेस क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड एमिग्डालिन कंसिस्ट करता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट इज स्वीट आमंड डू नॉट कंटेन एमिग्डालिन। जो हमारे स्वीट आमंड होते हैं वो एमिग्डालिन कंटेन नहीं करते, इनमें एमिग्डालिन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है हमारा यूजेस, किसे हम यूज़ क्यों करते हैं? सेडेटिव एंड डिमल्सेंट स्किन लोशन। सेडेटिव एंड डिमल्सेंट स्किन लोशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड चेरी बाग। यह है स्टूडेंट वाइल्ड चेरी बाग का डायग्राम। एज यू कैन सी,
स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट विद सिनोनिम्स के और किस नाम से इसे जाना जाता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद सिनोनिम्स, किसे और किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इज वर्जीनियन प्रून, नेक्स्ट इज सेकेंड ब्लैक चेरी एंड द थर्ड इज वर्जीनियन बार्क। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकली कहाँ से पाया जाता है। तो वाइल्ड चेरी बार्क इज द ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना। ये जो हमारा वाइल्ड चेरी बार्क है वो कहाँ से हमें मिलता है, ड्राइड बार्क कौन से प्लांट के, प्रूनस सिरोटिना। हमारा नेक्स्ट है फैमिली के, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रोजेसी। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। फर्स्टली इट कंटेन्स प्रूनेसिन, अ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। ये क्या कंटेन करता है, प्रूनेसिन, जो कि एक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट इज प्रूनेसिन इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बाय प्रूनेस एंजाइम प्रेजेंट इन द ड्रग इनटू बेंजल्डिहाइड ग्लूकोज एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड। स्टूडेंट ये जो हमारा प्रूनेसिन है वो हाइड्रोलाइसिस पे, जो हम वाटर के प्रेजेंट में जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमें क्या किसके द्वारा, कौन से एंजाइम के द्वारा करते हैं, प्रूनेस एंजाइम के द्वारा करते हैं। किसके प्रेजेंट में, इनटू प्रेजेंट इनटू बेंजल्डिहाइड ग्लूकोज एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड, जो कि हमारे बेंजल्डिहाइड ग्लूकोज एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा प्रूनेसिन है स्टूडेंट वो हाइड्रोलाइज्ड वाटर के प्रेजेंस में किया जाता है, किस एंजाइम के द्वारा, प्रूनेस एंजाइम के द्वारा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन से ड्रग में प्रेजेंट होता है, बेंजल्डिहाइड ग्लूकोज हाइड्रोसाइनिक एसिड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज थर्ड इट फर्दर कंटेन्स क्यूमारिन डेरिवेटिव दैट इज स्कोपोलिटिन। जो हम ये और क्या कंटेन करता है, क्यूमारिन डेरिवेटिव को कंटेन करता है जो कि क्या है, स्कोपोलिटिन है। नेक्स्ट है इसके यूजेस, क्या हम इसे यूज क्यों करते हैं। तो फर्स्टली एज एन एस्ट्रिंजेंट टॉनिक, नेक्स्ट सेडेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकाइटिस, वूपिंग कफ एंड डिस्पेप्सिया, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम इसे एज एन ड्रग यूज करते हैं। स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग क्या है, आइसोथाइनेट ग्लाइकोसाइड, जिसमें हम एक क्लास के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा क्या है, मस्टर्ड। स्टार्ट करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये है स्टूडेंट मस्टर्ड का डायग्राम। एज यू कैन सी फर्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स, क्या हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है। ब्लैक और ब्राउन मस्टर्ड इज द ड्राइड रिप सीड ऑफ ब्रासिका नाइग्रा और ब्रासिका जिंसिया। ये हमें कहाँ से मिलता है, ब्लैक और ब्राउन मस्टर्ड से। क्या कौन से फॉर्म में मिलता है, ड्राइड रिप सीड के फॉर्म में मिलता है। और कौन से प्लांट से मिलता है स्टूडेंट, ब्रासिका नाइग्रा और ब्रासिका जिंसिया प्लांट से हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली क्रूसीफेरी। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कंटेन्स मेनली आइसोथाइनेट ग्लाइकोसाइड कॉल्ड सिनिग्रिन दैट इज पोटाशियम माइरोनेट एंड एंजाइम माइरोसिन एंड ऑल्सो फिक्स्ड ऑयल प्रोटीन। ये जो हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके मस्टर्ड के, वो क्या है, मेनली क्या कंटेन करते हैं, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड कंटेन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनेग्रिन से हम और किस नाम से जानते हैं, पोटाशियम माइरोनेट के नाम से जाने जाते हैं, एंड एंजाइम जिसे हम माइरोसिन कहते हैं, एंड और क्या क्या कंटेन करते हैं, फिक्स्ड ऑयल प्रोटीन भी कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है इसके यूजेस, किस लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो रूबी पेशेंट, नेक्स्ट इज काउंटर इरिटेंट एंड थर्ड इज कॉन्डिमेंट। नेक्स्ट है हमारा एलाइड ड्रग, क्या हम इसे, इसके एलाइड ड्रग्स और क्या है, वाइट मस्टर्ड सिनेप्सिस एल्बा, वाइट मस्टर्ड सिनेप्सिस एल्बा है एलाइड ड्रग्स। हमारी नेक्स्ट क्लास है फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड। फर्स्टली दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंटेनिंग फिनाइल बेंजोपायरोन रिंग सिस्टम। ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फिनाइल बेंजोपायरोन रिंग को रिंग सिस्टम कंसिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेवोन्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स इन अ फ्री स्टेट और इन ग्लाइकोसिडल स्टेट, जिसमें कौन से हैं, ओ ग्लाइकोसाइड और सी ग्लाइकोसाइड विथ इट्स डिफरेंट डेरिवेटिव्स लाइक फ्लेवेन फ्लेवोनॉल फ्लेवोनोन।
जो हमारे फ्लेवोन्स है वो कहाँ किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और इन ग्लाइकोसाइडल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं वो, एक हमारा जो फर्स्ट है वो ओ ग्लाइकोसाइड है एंड जो सेकेंड है हमारा जो सी ग्लाइकोसाइड है विथ इट्स डिफरेंशिएट डिफरेंट डेरिवेटिव्स, इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स के साथ, जिसमें हमारा क्या है फर्स्ट फ्लेवेन, नेक्स्ट इज फ्लेवेनॉल एंड द नेक्स्ट इज फ्लेवेनॉन, नेक्स्ट है क्या है इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रूथेन, क्वेरसिट्रीन, नेक्स्ट हाइप्रोसाइड, नेक्स्ट एस्पेरिडिन। इसमें हम कौन सी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट है हमारा जिंको। यह है स्टूडेंट जिंको का डायग्राम, एज यू कैन सी द डायग्राम ऑफ जिंको। बायोलॉजिकल सोर्स, फर्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स, जिंको आर ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स ऑफ जिंको बिलोबा। ये जो हमारा जिंको है वो क्या कहाँ से हमें मिल क्या ऑब्टेन करता है, कहाँ से मिलता है हमें, ड्राइड लीव से, कौन से प्लांट के स्टूडेंट, जिंको बिलोबा प्लांट के। नेक्स्ट है हमारा फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जिंको एसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसके, जिंकोलाइड्स। नेक्स्ट इसके यूजेस कि हम इसे यूज क्यों करते हैं, फर्स्ट इज एंटी एस्थमेटिक, नेक्स्ट इज ब्रोंकोडायलेटर एंड नेक्स्ट इज सीवियस डिसऑर्डर के लिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्लास क्या है, बिटर एंड मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड, जिसमें हम दो ग्लाइकोसाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जेंटियन एंड क्वेसिया। फर्स्ट है हमारा जेंटियन, ये है जेंटियन का डायग्राम स्टूडेंट, एज यू कैन सी। स्टार्ट करते हैं विद द सिनोनिम्स, जेंटियन रूट, येलो जेंटियन रूट। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकली कहाँ से हमें मिलता है, जेंटियन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनफर्मेंटेड राइजोम्स एंड रूट ऑफ जेंटियाना लूटिया। यह कहाँ से मिलता है हमें, ड्राइड अनफर्मेंटेड राइजोम एंड रूट पार्ट से, जेंटिया लूटिया के। नेक्स्ट है हमारा फैमिली के, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है स्टूडेंट, जेंटियानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, किसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो फर्स्ट है हमारा जेंटियन कंटेन्स बिटर ग्लाइकोसाइड, ये बिटर ग्लाइकोसाइड को कंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा ड्राइड जेंटियन रूट कंटेन्स जेंटियनिन एंड जेंटियामेरिन बिटर ग्लाइकोसाइड टुगेदर विद जेंटेनिक एसिड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेंटेसिन। जो हमारे ड्राइड जेंटियन रूट है वो क्या कंटेन करते हैं स्टूडेंट, जेंटिनिन। फर्स्ट हमारा जेंटिनिन एंड जेंटियामेरिन कंसिस्ट करते हैं और जो हमारे बिटर ग्लाइकोसाइड टुगेदर विद जेंटियानिक एसिड जिसे हम क्या बोलते हैं, जेंटेसिन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजेस कि हम इसे यूज क्यों करते हैं, एज एन बिटर टॉनिक हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेसिया, यह है स्टूडेंट क्वेसिया का डायग्राम, एज यू कैन सी दी डायग्राम क्लियरली। फर्स्ट इज द सिनोनिम्स, बिटर वुड जेमेसिका क्वेसिया। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स, क्वेसिया इज द ड्राइड वुड ऑफ द सिस्टम पिक्रासमा एक्सेल्सा। ये क्या है, ड्राइड वुड है किसके, ऑफ द स्टेम, वुड ऑफ द स्टेम किस कौन से प्लांट के, पिक्रासमा एक्सेल्सा प्लांट के। नेक्स्ट है इसकी फैमिली के, इन्हें कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, सिमारुबासी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, किसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, क्वेसिया कंटेन्स बिटर एमोरिट कंपाउंड लाइक क्वेसिन, नियोक्वेसिन, 18 हाइड्रोक्सी क्वेसिन, स्कोपोलिटिन, ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे यूजेस कि हम इसे यूज क्यों करते हैं, तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, बिटर टॉनिक, सेकेंड इज एन इंसेक्टिसाइड एंड द थर्ड इज एनिमा फॉर एक्सपल्शन ऑफ थ्रेट वॉर्म, इसके लिए भी हम इसे यूज करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है, ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगती है,
अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बिकॉज आपको हमारी इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जल्द से जल्द मिल जाएंगे अगर आप बेल आइकन को दबाए रखेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें हैं, बिकॉज ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट प्लीज़ उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।